Hi guys, welcome to my YouTube channel Rambler Runner. मैं हूँ आपका host है दोस्त PC. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चार mistakes की जो आपको अपने workout के बाद में avoid करनी है. और अगर guys मैं workout की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ सभी category के लोगों को consider कर रहा हूँ. चाहे तो आप gym में जा रहे हैं for lifting up the weights, या फिर आप free body weight training कर रहे हैं, या फिर आप एक runner हैं. और runner में भी सभी category involved हैं. चाहे आप एक sprinter हैं, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी हो सकते हैं, एक मैराथन रनर भी हो सकते हैं. बिकॉज गाइस मैं कंसिडर मान रहा हूँ कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इन वन वे और द अदर आपके मसल्स चैलेंज हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स, आपके टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, दे आर वर्किंग हार्डर, आपका ब्रेन ओवरड्राइव हो रहा है. आप अगर रनर है तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. अगर आप एक वेट लिफ्टर है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर है, तो हर सेट में, हर रेपिटेशन में आपको यह करना पड़ेगा, आपके वेट को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा वेट को लिफ्ट करने के लिए. और जो भी लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, उनमें से काफी लोग ये भूल जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि एक बार उनका वर्कआउट कंप्लीट हो गया तो दे कंसिडर दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग. वो भूल जाते हैं कि वंस योर वर्कआउट इज ओवर, आपके एक्सरसाइज, आपका ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आता है, दैट इज द रिकवरी फेज. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है. बिकॉज इस फेज के अंदर ये कॉम्पेंसेट करेंगे उस स्ट्रेस के लिए जो आपके वर्कआउट के दौरान हुआ है. और अगर इस फेज में अगर आप कुछ मिस्टेक्स कमिट करते हैं, आप ढंग से अपने डाइट न्यूट्रिशन प्लान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल रहने वाला है आपके रिकवरी में. आपका परफॉर्मेंस एनहांस नहीं होगा अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए, आपका फिटनेस लेवल एनहांस नहीं होगा. हैविंग सेड दैट गाइस, चेकआउट करते हैं वो कौन सी चार मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर वन की जो लोग करते हैं, दैट इज दे स्किप द कूल डाउन फेज. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्लाइटली रेज करना होता है, इसलिए आप करते हैं वार्म अप. तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, पीपल नाउअडेज आर डूइंग वार्म अप, लेकिन अभी भी 99% ऑफ द पीपल आर अवॉइडिंग द कूल डाउन फेज. मींस एक बार लोगों का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, दे कंप्लीटली गो फॉर द रेस्ट, रेस्ट चले जाते हैं, या अपने मील देने शुरू कर देते हैं, एंड दे आर अवॉइडिंग द कूल डाउन फेज. तो गाइज ऑलरेडी स्ट्रेचिंग से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने इंटायर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो प्लीज डू चेक दोज वीडियोस एज वेल. तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला, एक बार वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, दीज आर नोन एज द स्टैटिक स्ट्रेचेस. कूल डाउन फेज करना है, कूल डाउन एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, एंड देन यू कैन टेक योर मील्स, देन यू कैन गो फॉर द रेस्टिंग फेज. गाइस सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, कमिट करते हैं, दैट इज दे डोंट रिहाइड्रेट. और जब मैं रिहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंसी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फिर एनर्जी ड्रिंक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन वॉटर. सो गाइज आपको ध्यान में रखना है, आपको वाटर कंज्यूम करना है, एंड वाटर गाइज आपको थ्रू आउट द डे रिहाइड्रेटेड रहना है. आपको अपने वर्कआउट से पहले बहुत पानी पीना है, वर्कआउट के दौरान पानी पीना है, एंड वर्कआउट एक बार आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी गाइज आपको पानी पीना है. बिकॉज वो एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, वो आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा. साथ ही गाइज जो वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक द लैक्टिक एसिड, उसको भी रिमूव करने में पानी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. जो भी स्वेटिंग, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो स्वेटिंग होती है हमें, तो स्वेटिंग के दौरान भी लूज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अ लॉट ऑफ मिनरल्स. तो अगर हम पानी कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट आवर वर्कआउट, तो उसको पुश डाउन करेगा, एंड हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे वर्कआउट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाई गई. साथ ही गाइज मैं यहां पर आपको एक टैबलेट फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आपका वर्कआउट 1 घंटा या 1.25 घंटे का है, तो आपको कितना पानी कंज्यूम करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट. गाइज थर्ड मिस्टेक जो अक्सर लोग कमेंट करते हैं, दैट इज दे डोंट रिफिल देयर ग्लाइकोजन स्टोर्स वंस देयर वर्कआउट इज कंप्लीटेड. गाइज जब आपने वर्कआउट किया है, यू हैव बर्नड अ लॉट ऑफ द कैलोरीज, आपकी बॉडी के ऊपर एक इमेंस प्रेशर आया है, स्ट्रेस आया है, एक स्ट्रेन आया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक बार आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है. बिकॉज वर्कआउट के दौरान आपके बॉडी की सारी रिसोर्सेज को यूज किया गया, तो इन रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना विद अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी की अच्छी रिकवरी नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट वर्कआउट में आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस एनहांस नहीं हो पाएगा, आपका फिटनेस लेवल एनहांस नहीं हो पाएगा, आपके मसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और चांसेस ऑफ द इंजरीज इंक्रीज हो जाएंगे. तो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल. एक वो लोग जो अपने वर्कआउट के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, डोंट रिफिल देयर ग्लाइकोजन स्टोर्स. उन लोगों को लगता है कि क्योंकि उन्होंने वर्कआउट में काफी कैलोरीज बर्न आउट किए, तो अगर वो दोबारा से कुछ खाएंगे उनका वेट गेन हो जाएगा. नेक्स्ट सर्दे, तो आपको इस कैटेगरी को अवॉइड करना है.
नेक्स्ट कैटेगरी के लोग जो होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, वर्कआउट कंप्लीट हो गया उन्हें लगता है उन्होंने तो एक्सरसाइज की है, नाउ दे आर फ्री टू हैव एनीथिंग, तो पिज्जा बर्गर्स पैटीज अनाप शनाप कुछ भी जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, वंस अगेन आपको इस कैटेगरी को भी अवॉइड करना है। एंड थर्ड आर द कैटेगरी ऑफ द पीपल जो एक बार अपना वर्कआउट कंप्लीट होता है उसके बाद एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अ डाइट हैविंग गुड प्रोटीन कार्ब्स एज वेल एज द हेल्दी फैट्स, सो गाइस आपको इस कैटेगरी को फॉलो करना है। फोर्थ एंड द फाइनल मिस्टेक जो अक्सर लोग कमिट करते हैं, दैट इज दे नेवर गिव देयर बॉडी अ ब्रेक। ब्रेक का भी नहीं है गाइस, लोग एक प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर वो डेली बेसिस पे वर्कआउट करते चले जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस उनका फिटनेस लेवल ज्यादा एनहांस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, एक प्रॉपर साउंड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उसका फिटनेस लेवल और उसका परफॉर्मेंस एनहांस हो पाएगा। सो गाइस बी श्योर दैट आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट देते हैं ताकि उसकी एक अच्छी रिकवरी हो पाए। सो गाइस दीज वर द फोर मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड वंस योर वर्कआउट इज ओवर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही इस वीडियो पे कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं गाइस आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रामलर रनर, बाय गाइस।